नमस्कार दोस्तों, आपने पूरे देश की समस्या थी यूक्रेन, यूक्रेन में फंसे हमारे 18,000 छात्र छात्राएं, आपने देखा किस तरीके से यूक्रेन में फंसे थे। ऐसी तरीके से शुभ्री के एक छात्र जो भी यूक्रेन में फंसे हुए थे, जिनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन सफलतापूर्वक भारतीय सरकार की मदद से आज वो अपने निवास पर पहुंच चुके हैं। तो आइए बात करेंगे उनसे कि किस तरीके से वो पहुंचे, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आप किसी भी तरीके से पहुंचे, लेकिन आप सफलतापूर्वक अपने घर पहुंचे, सकुशल आप घर पे आ गए। बहुत बहुत थैंक यू, और मैं बहुत खुश हूँ अपने घर आ चुका हूँ। मैं ये जानना चाहूंगा कि क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने भी काफी मदद की है, यूक्रेन में फंसे बहुत बड़ी संख्या में छात्र फंसे हुए थे, क्योंकि हमारे देश के लगभग 18,000 छात्र बताए जा रहे हैं कि वहां पे फंसे हुए थे, आपको क्या क्या सहायताएं मिली, किस तरीके से आपकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई? जब यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ तो उस समय क्या आपको कोई इस तरीके की एडवाइजरी जारी नहीं की गई? जब यूक्रेन में युद्ध चालू हुआ था तब एडवाइजरी तो आई थी, लेकिन जो मेरा कॉलेज था उसके तरफ से मेरे को परमिशन नहीं दी जा रही थी इंडिया आने के लिए। मेरी क्लासेस जो थी वो ऑफलाइन ही चल रही थी, ऑनलाइन उन्होंने नहीं किया था, तो मैं अपना क्लास कैसे छोड़ के आ सकता था? और मैं अगर आ जाता था तो मेरा वर्क ऑफ लगता, अटेंडेंस भी मेरी छूट जाती, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता था। फिर उसके बाद जब युद्ध शुरू हो गया तो फिर क्या प्रयास किए गए आपको बाहर लाने के लिए? आपने क्या क्या किया, किस तरीके? सबसे पहले स्टेप वन, जिस दिन पहली बार गोलीबारी और बम विस्फोट वगैरह चालू हुए, तो क्या आपको किस तरीके से आपने बचाव शुरू किया? सबसे पहले दिन जब विस्फोट हुआ था तब पैनिक सिचुएशन तो हो गई थी, मैं हॉस्टल के बंकर में था, बंकर में जाने के लिए सब बच्चों को, जो इंचार्ज थे हॉस्टल के हमारे वार्डन जो थे, उन्होंने सबको इंस्ट्रक्शन दिए कि सब लोग बंकर में जाओ क्योंकि वही सेफ प्लेस है, और सिचुएशन वर्स्ट होना शुरू हुई थी, इसलिए हम लोग बंकर में जाके छुप गए थे। तो आप कितने भारतीय छात्र थे आपके हॉस्टल में? मेरे हॉस्टल में तो लगभग 400 भारतीय छात्र थे। 400 भारतीय छात्र थे, तो आपको क्या 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 मदद मिली? फिर उसके बाद आप लोगों को खाने पीने की क्या व्यवस्था रही, क्या स्थिति रही? खाने पीने का तो सिचुएशन बहुत ही खराब था, खाने को तो कुछ भी नहीं मिल रहा था, जो मिले हम वही खा रहे थे। एक दिन तो ऐसा भी आया जब एक ही ब्रेड के टुकड़े पे, मतलब दो तीन दिन तो ऐसा रहा कि ब्रेड के टुकड़े पे, आधे ब्रेड के टुकड़े पे हमें खाने के लिए रह रहे हैं और जी रहे हैं। ये कहा जा रहा था कि भारतीय फ्लैग को देखकर, तो सबसे बड़ी बात थी, भारतीय फ्लैग को देखकर रशिया सेना छात्रों को आगे आने दे रही थी, कहीं कोई पैनिक क्रिएट नहीं कर रही थी, बल्कि उल्टा छात्रों को निकाली थी, क्या ये सिचुएशन सही है? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं सुना, क्योंकि रशिया की तरफ से हमें इवैक्यूएशन नहीं मिला, हमें इवैक्यूएशन मिला है रोमानिया, पोलैंड और हंगरी के थ्रू ही। आप किस रूट से बाहर आए हैं? मैं रोमानिया के थ्रू बाहर आया हूँ। क्योंकि हमारे क्षेत्रीय पूर्व सांसद केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया भी उसी क्षेत्र में थे, क्या उनसे आपका कांटेक्ट हुआ उस समय? उन्होंने तो मेरी बहुत हेल्प की, वो रेगुलर मेरे टच में थे, उन्होंने मतलब मेरे को अपने बेटे की तरह मतलब कांटेक्ट में रखा कि आप ठीक हो, कैसे हो, और हमारे शिवपुरी के सांसद जो हैं रह चुके हैं वो पहले भी, और सांसद जी के पी यादव जी, श्रीमती यशोधरा राजे जी और नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो पीएम है श्री नरेंद्र मोदी जी, उन सबसे मेरे को बहुत हेल्प मिला है। मेरे पापा भी रेगुलर उनके कांटेक्ट में रहे, जो कि श्योपुर में जेल अधीक्षक हैं अभी, साथ में उनके फादर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी तरफ से प्रयास, क्योंकि आप जिस दिन से आपको जानकारी मिली होगी उसी दिन से आप पैनिक हो गए, आपको किस किस से आपने कांटेक्ट किया, किस तरीके से आपने? 24 फरवरी को मैंने एडवाइजरी देखी टीवी पर, तो उसमें बताया जा रहा था कि खारकी में और कीम में जितने भी बच्चे हैं भारतीय, वो सारे भारतीय कीम को छोड़ दें खारकी को, तो मैं एकदम घबरा गया 24 तारीख को। फिर मैंने बच्चे को कॉल किया, मैंने बेटा एडवाइजरी जारी हुई है, आप वहाँ से निकलो। तो बेटे ने कहा कि पापा हमको जो है वीज़ा और पासपोर्ट नहीं दे रहे हैं और ऑफलाइन क्लास चल रही है, तो हम कैसे आ सकते हैं? मैंने कहा बेटा एडवाइजरी जारी हुई है, वहाँ से निकलना है, और जो है आगे बमबारी ज़्यादा हो सकती है, आप इनका फॉलो करो कैसे भी। फिर 26 तारीख को बेटे का कॉल आया कि स्थिति बाबा बहुत गंभीर हो गई है। फिर मैंने माननीय ज्योतिराज सिंधिया से संपर्क किया, उन्होंने मेरी हेल्प की और उन्होंने विदेश विभाग को लिखा, और फिर हमने PMO में कंप्लेंट की, उसके में हेल्पलाइन भी लगाया हमने, जिसमें हमारी माननीय यशोधरा राजे सिंधिया जी द्वारा काफ़ी मदद की, और KP यादव सांसद जी हमारे रेगुलर संपर्क में थे, मैं निवेदन कर रहा था बराबर, मेरी PM महोदय से नरेंद्र मोदी जी संपर्क में था, और ज्योतिराज सिंधिया जी, माननीय यशोधरा जी, KP यादव जी, सभी से मैं संपर्क में रहा, काफ़ी मेरे को बल मिला उनसे, और मेरे को बताते रहे कि चिंता की कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे बच्चे को,
मेरे बच्चे से ही मतलब नहीं था, मेरे जितने भी बच्चे थे वहाँ भारतीय 18,000 उनके लेके मेरे पसोपेश में था। जब बेटे ने बताया कि मेरे ऊपर बम गिर गया है पास में ही, तो मैं और ज़्यादा विचलित हो गया पेशोचिन में। तो फिर बेटा 35 किलोमीटर पैदल गया वहाँ से, तो नींद नहीं आ रही थी रात दिन, और मेरी पत्नी भी बीमार होकर अस्पताल पहुँच चुकी थी। और फिर मैं महाराज को सारी रिपोर्ट देता रहा और महाराज मेरे को कन्विंस करते रहे, और मेरे बेटे ने बहुत हिम्मत रखी, मैं आज शुक्रगुजार हूँ। जब महाराज वहाँ पर मौजूद थे, हमारे यहाँ के पूर्व सांसद ज्योतिराज सिंधिया जी, तो क्या आपका कांटेक्ट हुआ था उनसे, बातचीत हुई थी? मेरी बातचीत नहीं हो पा रही थी, पारा सर जी हैं और दान सिंह जी दिल्ली में, उनके माध्यम से मेरी बात हुई है। मेरा कॉल रिसीव नहीं हो रहा था वहाँ, पता नहीं क्या कारण रहा होगा, लेकिन उनके जो देखने वाले हैं कार्यालय को, वो रेगुलर मेरे संपर्क में थे और मुझे आश्वस्त कर रहे थे कि महाराज को आपका कॉल नहीं लग रहा है, महाराज हमको बराबर बता रहे हैं कि कॉल नहीं लग रहा है, आप जेलर साहब के संपर्क में रहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, कहीं ना कहीं माँ बेटे का एक जो जुड़ाव होता है वो एक आत्मीय जुड़ाव होता है, तो आज बात करेंगे इनकी माँ से भी, माँ भी मौजूद है। मैडम, आपका बेटा सकुशल वापस आया, कहीं ना कहीं आप पैनिक थी, जब हमने शुरुआत में भी आपका इंटरव्यू लिया था आप बहुत पैनिक थी, आज आपको कैसा महसूस? आज मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मेरा बेटा घर लौट कर आया है, मुझे इतनी खुशी मिली, मैं कुछ कह नहीं सकती कि मेरा बेटा घर लौट आया है और सारा परिवार खुशी मना रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपने देखा किस तरीके से परिवार ने पूरी तरीके से भारतीय सरकार, क्षेत्रीय पूर्व सांसद ज्योतिराज सिंधिया, वर्तमान सांसद केपी यादव, यशोधराज सिंधिया, सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया है, और यूक्रेन से वापस अपने घर आने पर खुशी जाहिर की है। कहीं ना कहीं पूरी भारतीय सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका पूरा ग्रुप, और हमारे क्षेत्रीय पूर्व सांसद ज्योतिराज सिंधिया, वर्तमान कैबिनेट मंत्री, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा किया पूरे परिवार ने। मैं अजराज सक्सेना, फास्ट समाचार, शिवपुरी।